अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। लेक्चर नंबर 22, डेटा स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं जनाब। डेटा स्ट्रक्चर में आप जो है वो बात करेंगे इसके एवीएल ट्री के बारे में, केसेस ऑफ रोटेशन के बारे में, और एट द एंड आप सी प्लस प्लस का कोड देखेंगे। देखें जी, केसेस ऑफ रोटेशन हम ऑलरेडी प्रीवियस दो लेक्चर में कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपने लेफ्ट या राइट अपने ट्री को रोटेट करना है। क्यों रोटेट करते हैं? इसीलिए रोटेट करते हैं क्योंकि हमारे पास एक एवीएल ट्री बन जाए। जब हम बड़ा नंबर इंसर्ट करते हैं तो -2 का डिफरेंस आ जाता था, तो हम -2 के डिफरेंस को कंट्रोल करने के लिए, एवीएल ट्री को परफॉर्म करने के लिए, उसकी शर्त शराइत पे जो कि 0, 1 या -1 होना चाहिए, इसकी शर्त शराइत को पूरा करने के लिए हम जो है वो रोटेशन का जो अमल है वो करते हैं, रोटेशन की कार्रवाई हम जो है वो करते हैं। ठीक है, ये देखें, ये वही सारी बात जो मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका था। अब ये देखो, K2 आ गया, देखें K1 था ना, अब यहाँ पे K2 आ गया। अब इसको क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इस चीज़ को बचने के लिए आप जो है वो रोटेशन को परफॉर्म करेंगे। और ये भी बात याद रखिएगा कि आपने मुख्तलिफ बैलेंसेस को, यानी कि आपने मुख्तलिफ नोड्स के मुख्तलिफ वैल्यूज़ को, काउंट को जो है वो मद्देनजर रखना है आपने। तब रोटेशन परफॉर्म करनी जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, जब आपका डिफरेंस 1, 0 और -1 ये स्टैंडर्ड वैल्यू से हट जाएगा, देन यू शुड परफॉर्म टू द रोटेशन, अदरवाइज आपको रोटेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये देखिए, लेफ्ट राइट डबल रोटेशन। अब ये डबल रोटेशन हो रही है, ज़रा गौर से बात समझिएगा, थोड़ा सा कम्प्लेक्स किस्म का काम आ गया है। पहले आप सिंगल रोटेट करते थे ना, अब आप ज़रा लेफ्ट और राइट डबल रोटेट करेंगे। कैसे? देखो, पहले ये रोटेशन परफॉर्म हुई, अब ये के टू ऊपर चला गया। ये देखें, मैंने आपको बताया के टू ऊपर चला गया, ये सारा उसके साथ नीचे आ गया। यानी कि देखें, के टू के साथ क्या क्या वैल्यू थी, के वन के साथ ये थी ना, तो के वन की ये वाली वैल्यू। अब के टू का जो राइट पार्ट था ना, क्योंकि राइट पार्ट में के वन नहीं आना ना, तो अब देखें ये जो बी है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, ये भी के वन के साथ जुड़ जाएगा इस तरह से। तो ये आपके पास एक रोटेशन परफॉर्म होगी। अब आपने डबल करनी है, यानी इसके फौरन बाद दूसरी रोटेशन परफॉर्म होगी, तो दूसरी रोटेशन ये देखिए, अब ये दोबारा से के टू पहले इधर आया था, अब ये दोबारा इधर आएगा, तो के टू सबसे ऊपर चला गया। क्योंकि के टू क्यों ऊपर गया, क्योंकि हमने इस तरह की शक्ल बनानी थी कि उसके लेफ्ट वाली साइड पर छोटी वैल्यू आ जाए, बड़ी जो राइट वाली साइड है वहाँ पर बड़ी वैल्यू आ जाए, बाकी सब नोड एज इट इज सेम रहेंगे। बस ये बात याद रखिएगा कि इस तरह की शक्ल आपने क्रिएट करनी है कि दरमियान में जो पेरेंट नोड है वो दरमियाना होगा, बाकी इधर जो लेफ्ट वाली साइड होगी वहाँ पे छोटी वैल्यू, और जो राइट वाली साइड होगी वहाँ पे बड़ी वैल्यू। ठीक है, इस केसेस को, इस फार्मूले को, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में। 100% चांस है कि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। राइट लेफ्ट डबल रोटेशन, देखें अब यहाँ पे आपको नाम से पता लगे, पहले राइट है फिर लेफ्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। मैं 12 दफ़ा आपको बता रहा हूँ, कोशिश करूँ कि आहिस्ता आहिस्ता बताऊँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बच्चों की तरह समझाया जाए ताकि आपको ये बातें याद रहें। ठीक है, आई रिपीट इट, राइट एंड लेफ्ट, देन यू शुड फर्स्टली राइट अकॉर्डिंग टू दैट नेम, देन लेफ्ट। अब देखें पहले क्या कह रहा है, देखें राइट वाली साइड पर आ रहा है, और हमेशा याद रखिएगा राइट वाली साइड पर आना है। ये देखें, ये राइट वाली साइड पर मूवमेंट की जा रही है, पहले राइट पर आए, तो देखें के टू कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, यहाँ पे देखो के टू आ गया। अब इसको दोबारा लेफ्ट, यानी इधर ये लेफ्ट वाली साइड यहाँ पे बनती है, तो के टू यहाँ पे दोबारा आ जाएगा। तो ये केस 3 है आपका। ठीक है, पहले दो केसेस में आपको क्या था, शायद मैंने आपको पहले दो केसेस एज सच इस तरह एक्सप्लेन नहीं किए। पहले केस में आपने क्या करना है जी, पहले केस में आपने ये देखें, ये केस 2 था, लेफ्ट डबल, यानी कि आपने दो दफ़ा लेफ्ट जो है वो परफॉर्म करना है, लेफ्ट डबल, ये याद रखिएगा, लेफ्ट डबल दो दफ़ा लेफ्ट परफॉर्म करना है। पहला केस आपका क्या था, पहला केस आपका ये था कि आपने जो है वो यहाँ पे आएगा, ये देखें सिंगल, ये सिंगल रोटेशन थी, ये पहला फेल केस था, यानी कि केस 2 के अंदर ये पहला केस आपके, आपने सिंगल जो है वो परफॉर्म करना है। सेकंड केस के अंदर आपने क्या परफॉर्म करना था, मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से वो केस। ये देखें, सेकंड केस में आपने दो दफ़ा, यानी ये या आपको खुद बताएगा आपका इंस्ट्रक्टर, दो दफ़ा आपने परफॉर्म करना है डबल रोटेशन फ्रॉम द लेफ्ट राइट। देखें पहले लेफ्ट है देन राइट है, ठीक है, अब दोबारा आए तो अब तीसरा क्या है, राइट लेफ्ट, यानी पहले राइट है और फिर लेफ्ट है। तो ये देखें, पहले उसने राइट परफॉर्म की, देन उसने लेफ्ट परफॉर्म की, तो ये देखो उसने दोबारा से, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि राइट का मतलब था दिस वन, लेफ्ट का मतलब था दिस वन, तो देखें इस तरह परफॉर्म किया। ये आपका यहाँ पर सवाल आता होता है पेपर के अंदर। चौथा केस आपके पास क्या है जी, अच्छा ये आपको कुछ नोट्स की वैल्यू इंसर्ट करके बता रहा है, मेक श्योर आप इसको एक दफ़ा खुद से पॉसिबल बनाएं और देखिएगा। देखें ये K1, K2, K3, यानी कि अब ये रोटेट लेफ्ट कर रहा है, वही काम जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि केस 1 में आपने तमाम तर वैल्यूज़ को, तमाम तर चीज़ों को, क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के बाद रोटेट लेफ्ट और राइट को परफॉर्म करना है। अच्छा अब उसके बाद देखें तो
मेरे ख्याल में से शायद सिर्फ 3 केस ही बताए हैं, बाकी सिर्फ वैल्यूज को इंसर्ट करने के बारे में बता रहा है। मैं आपको एक पेंट के अंदर जाकर समझाता हूँ ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट जो है वो कवर हो सके। एक मिनट ठहरे, मैं चेकआउट कर लूँ। अच्छा जी, सी प्लस प्लस कोड, ठीक है। सिर्फ 3 केसेस हैं, मैं आपको यही जो है वो केस पेंट के अंदर जाकर ड्रॉ करके समझा देता हूँ ताकि आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर आए तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पता हो कि आपने किस तरह से जो है वो काम करना है। देखिए, कुछ नोट्स हैं आपके पास, दिस वन और दिस वन। मैं सिर्फ 3 बताऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम इतना नहीं है और आपकी क्लास का टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ से इधर और इधर से इधर। अब आप यहाँ पे चेकआउट करें तो मैं यहाँ पे आपको दोबारा लिख के दिखाता हूँ। फर्स्ट कर लें, मैंने यहाँ पे लिखा जी 6, यहाँ पे मैंने लिखा है 10, यहाँ पे मैंने लिखा है जी 2। और देखें करना क्या आपने, मैं आपसे कहता हूँ रोटेट आर, आर का मतलब राइट देन लेफ्ट। देखिए पहले आपने क्या करना है, पहले आपने राइट के ऊपर मूव करना है, यानी ये इस तरह से मूव करना है। इस तरह मूव करें तो ये 10 ऊपर आ जाएगा ना। फिर आप दोबारा देखें तो उसके ऊपर क्या, ये 6 था तो ये इसके लेफ्ट वाली साइड पर चला गया और ये इसके राइट वाली साइड पर आ गया। एक बतौर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हालांकि ये बाइनरी ट्री नहीं है क्योंकि इसके लेफ्ट पे वैल्यू बड़ी बड़ी पड़ी हुई है और राइट पे वैल्यू जो है वो छोटी पड़ी हुई है, गलत है। लेकिन सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि रोटेशन कैसे परफॉर्म करनी है आपने, ठीक है। अच्छा, अब आप, मैं आपसे कहता हूँ लेफ्ट, यानी रोटेट राइट तो हो गया, अब आपने लेफ्ट पे जाना है। लेफ्ट पे इस तरह दोबारा से, अब देखें 2 ऊपर आ जाएगा और दोबारा से इस तरह जो है ये क्या बन जाएगा, 10 यहाँ पे और 10 से आगे दोबारा से 2 बन जाएगा। तो ये इस तरह से आपने रोटेशन को परफॉर्म करना है। तो रोटेट करवाने का तरीकेकार ये होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पहले जो है वो अपने केसेस को देखें, जो भी केसेस आपको इसने दिए होंगे। अब मुख्तलिफ 3 केसेस हमने पढ़े हैं। पहले तो अव्वल तो आपने देखना है कि केस है कौन सा, यानी अव्वल पहले आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि केस आपका जो है वो रोटेट, सॉरी राइट और लेफ्ट, यानी कि राइट और लेफ्ट, पहले राइट और फिर लेफ्ट, फिर आपने देखना है लेफ्ट और फिर राइट। और एक होती है बिल्कुल सिंगल नोटेशन, कि बिल्कुल आप सिंगली परफॉर्म कर रहे हैं, कि आपने सिर्फ एक ही नोटेशन को परफॉर्म करना है, इसको हम कहते हैं सिंगल नोटेशन, ठीक है। और एक और हमारे पास नोटेशन होती है कि पहले अब आपने क्या करना है, आपने राइट और राइट, यानी कि आपने 2 दफ़ा राइट ही मूव करना है, लेफ्ट पे नहीं जाना। इस तरह लेफ्ट और लेफ्ट, आपने 2 दफ़ा लेफ्ट पे मूव करना है, आपने राइट पे मूव नहीं करना है। तो ये बेसिकली आपको बता रहा है कि इस तरह से काम होता है हमारे पास। अभी आगे सी प्लस प्लस का कोड है जी, इसके अंदर ये बहुत लंबा कोड है, पेपर में कोडिंग ज़्यादातर नहीं आती। यहाँ तक आपका मिड टर्म का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन मेक श्योर स्टूडेंट्स ये तमाम तक कोडिंग की एक्सप्लेनेशन आप एक दो बार पढ़ लीजिएगा। इसमें भी आपको यही बताया जा रहा है कि आपने किस तरह से वर्किंग जो है वो करनी है। यहाँ तक मैंने आपका मिड टर्म का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। आई रिपीटेड कि सबसे पहले आपने जिस तरह देखें, ये सिंटैक्स है गेट राइट गेट लेफ्ट, ये सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने रूट को राइट वाली साइड पर शिफ्ट करवाना है तो आप लिखेंगे गेट राइट, रूट को लेफ्ट वाली साइड पर शिफ्ट करवाना है तो आप लिखेंगे गेट लेफ्ट। तो इस तरह से वर्किंग, इस तरह से क्राइटेरिया आपने कंप्लीट करना है पेपर के अंदर। पेपर में किसी भी चीज़ को स्किप करके ना आइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये सफर आपके साथ अच्छा रहा होगा। 1 से लेके 22 लेक्चर तक मैंने आपको कवर करवा दिया, इंशाल्लाह आगे जाके हम फाइनल टर्म लेक्चर कवर करेंगे और एज सुन एज पॉसिबल आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के ऊपर और रेगुलर क्लासेस में आपको जो है वो पास्ट पेपर कल से कवर करवा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम तर लोगों को कामयाब करे और आपको उस कामयाबी तक ले जाए जिसका गुमान या जिसका आप जो है वो तसव्वुर करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।